हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। आज हम देखने वाले हैं कि एक किंग और रुक वर्सेस अकेला जब अपोनेंट का किंग हो तो उसे कैसे चेक एंड मेट किया जा सकता है। देखिए, इस पोजीशन में जो बिगिनर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि कंटिन्यूसली चेक देते रहते हैं। अब इस तरीके से जो है हम इसे मेट नहीं कर सकते, हम रैंडमली कोई भी चेक देंगे ये डायगनली आके अटैक कर देगा, तो इस तरह से हम इसे मेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बॉर्डर बनानी है। बॉर्डर मतलब वो लाइन जिसको अपोनेंट का किंग जो है ये क्रॉस ना कर सके। अभी आप देख सकते हैं कि ये किंग इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ब्लैक का किंग क्या करेगा, वो रुक को अटैक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो 1/1 स्क्वायर इधर आएगा और अटैक करेगा। क्योंकि हमारे पास रुक है तो ब्लैक का किंग जो है वो यहाँ पर आके सोच रहा है कि मैं रुक पे अटैक करूँ, तो ये पॉसिबल है। 1/1 स्क्वायर वो आके अटैक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब किंग को एक्टिवेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप अकेले रुक से मेट नहीं कर सकते, आपको किंग की ज़रूरत पड़ेगी। किंग और रुक का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेट में, और जैसा मैंने बताया था वो अब अटैक करेगा। देखिए दोस्तों, अगर ये क्वीन होती तो ये डायगनली अटैक नहीं कर सकता, बट चूंकि ये रुक है तो ये डायगनली अटैक कर सकता है रुक को। अब यहाँ पर वाइट का बेस्ट मूव है रुक ऑन d4। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बॉर्डर है, ये लाइन और ये लाइन, ये अभी भी अटैक करेगा। बट अब फर्क ये है कि हमारा किंग जो हमने एक्टिवेट किया था वो हमें काम आएगा रुक के डिफेंस के लिए। और दोस्तों कुछ भी हो जाए, हमें ये जो बॉर्डर है इसके बाहर ब्लैक के किंग को नहीं जाने देना है, राइट। तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस हमेशा रहेंगे, जब भी पॉसिबल है हम बॉर्डर कम करेंगे। बॉर्डर मतलब वो लाइन जिसको ब्लैक का किंग क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पर ये ग्रीन मार्क लाइन देख रहे हैं, हमें ये बॉर्डर कम कम करते जाना है और अपोनेंट को कॉर्नर में लेके जाना है जहाँ पर हम उसे मेट कर सकें। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी बॉर्डर को कम करना, और जब बॉर्डर कम नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, हमारे किंग को अपोनेंट के किंग के पास में लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा सबको। तो ब्लैक ने सपोज खेला किंग टू c6। अब जैसा मैंने कहा, हमारी पहली प्रायोरिटी है बॉर्डर को कम करना, तो हम यहाँ पर खेलेंगे रुक टू d5। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने बॉर्डर जो है वो कम कर दिए। हम क्लियरली देख सकते हैं, पहले ये बॉर्डर थी हमारी और अब हमने खेला है ये वो, तो हमारी बॉर्डर कम हो चुकी है। ब्लैक खेलेगा लेट्स से किंग ऑन b6। अब हम बॉर्डर कम नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैंने रुक c5 खेला तो किंग मार देगा, तो रुक c5 पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे किंग को अपोनेंट के किंग के पास में लाना है। तो किंग टू d4 वो खेलेगा किंग टू c6। अगर वो किंग b7 खेलता है तो हम बॉर्डर और कम कर देते हैं, तो अपोनेंट खुद से तो कॉर्नर में जाएगा नहीं, वो पूरी कोशिश करेगा आपको रुकने की। तो किंग c6, अब फिर से देखना है हम बॉर्डर कम कर सकते हैं क्या, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो हमें किंग को और पास में लाना। यहाँ पर एक और टिपिकल मिस्टेक है जो कि बिगिनर्स करते हैं, वो है चेक देना। देखिए, चेक देना एकदम ही गलत मूव है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी बॉर्डर है। अब अगर मैंने चेक दे दिया तो अपोनेंट का किंग बाहर आ जाएगा इस लाइन के, और अब इतनी बड़ी बॉर्डर बन जाएगी। तो हमें बॉर्डर को कम करना है ना कि बढ़ाना है, और इसी वजह से ये चेक देना जो है यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर वाइट खेलेगा किंग टू c4। अब ब्लैक के पास ऑप्शन है वो c7 पे जाए या b6 पे। b6 पे गया तो हम बॉर्डर कम कर देंगे प्लेइंग रुक टू c5, और अगर किंग c7 गए तो जैसे मैंने कहा है दो प्रायोरिटीज है। पहला है रिडक्शन ऑफ बॉर्डर, तो जब भी बॉर्डर कम हो सकती है हमें वो करना है। अभी जैसे हम देख सकते हैं हम बॉर्डर कम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रुक d6 में तो किंग मार देगा, तो उस सिचुएशन में हमें हमारे किंग को अपोनेंट के किंग के पास में लाना है। किंग b7, अब देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए वाइट को, वाइट को खेलना चाहिए रुक टू d6, तो बॉर्डर और कम हो गई। किंग c7, अब देखिए दोस्तों ये यूनिक पोजीशन है। यहां पर
ना तो बॉर्डर कम हो रही है और ना ही मैं इससे ज्यादा किंग को पास में ला सकता हूं, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर है, मैं चेक दूंगा तो वो किंग जो है वो D7 पे आ जाएगा और बॉर्डर बड़ी हो जाएगी, तो ये तो हम बैर कर नहीं सकते। हम कुछ भी हो जाए हमें बॉर्डर को कम करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हम रुक तो मूव करेंगे नहीं, बट जो दूसरी बात मैंने कही थी कि जब बॉर्डर कम नहीं होते किंग को पास में लाना है, अब इससे ज्यादा पास में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो मूव करना है वो तो किंग ही मूव करना है। अब आप देखिए दोस्तों, अगर मुझे किंग मूव करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम किंग जो है वो इन स्क्वायर्स पर जो है ये है मेरे पास ऑप्शन है, बट इसमें से जो करेक्ट मूव है वो है किंग टू D5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर है किंग के लिए, क्योंकि अगर मैं बाकी के कोई भी जगह पर किंग को रखूँ तो अपोनेंट का किंग हमारे रुक को मार देगा। तो इसीलिए अब हमारे पास एक ही मूव बचा है, वो है किंग टू D5। किंग D5 से क्या होगा, ब्लैक जो है वो फोर्स हो जाएगा अपने किंग को मूव करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो कोई और पीस है ही नहीं। तो अब उसके पास ये तीन ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर किंग B7 करेगा तो हम लोग बॉर्डर और कम करेंगे, तो अभी हमें देखिए अगले मूव पर मौका मिल गया बॉर्डर कम करने का। आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास सिर्फ ये चार ही स्क्वायर बचे हैं। अगर ब्लैक ने खेला किंग टू B8 तो फिर से हम बॉर्डर कम कर सकते हैं, ये क्लियरली विजिबल है कि आपने बॉर्डर कम कर दिया, और अगर उसने अटैक किया तो हम डिफेंड करेंगे किंग C6 से। और अगर उसने खेला किंग टू C8 तो हम करेंगे किंग टू C6, इसने खेला किंग टू B8 तो हम करेंगे रुक टू D7, किंग C8। तो अब जैसे मैंने कहा, अभी भी हम बॉर्डर कम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खेल सकते हैं यहाँ पर एक वेटिंग मूव किंग का, किंग टू D6, जैसे किंग ही मूव करना है। अब हम बॉर्डर कम कर पा रहे हैं तो रुक टू C7 और किंग को, क्योंकि अब बॉर्डर कम नहीं हो पा रही है तो हमें और किंग को पास में लाना है, किंग B8, अब और किंग को पास में लाना है। और आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं व्हाइट को क्या खेलना चाहिए। बहुत ही सिंपल मूव है, व्हाइट के पास एक करेक्ट ऑप्शन और एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट मूव है वो है रुक टू C8 चेकमेट। देखिए दोस्तों, यहां पर रुक B7 बिल्कुल नहीं खेलना है, रुक B7 करेंगे तो ये स्टेलमेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक को कोई चेक नहीं है, बट उसके पास कोई भी पीस तो है नहीं जो वो मूव कर सकते, और किंग के पास कोई जगह नहीं बची है, तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। स्टेलमेट मतलब ड्रॉ माना जाता है। तो हमें ये गेम जीतनी है तो हमें खेलना है रुक टू C8। रुक टू C8 इज चेकमेट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि B8 और 8 ये दोनों स्क्वायर के ऊपर रुक का कंट्रोल है, बचे हुए दो स्क्वायर थे यहाँ पर हमारे किंग का कंट्रोल है, तो ये चेकमेट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।